मिशन 2019 के तहत रोहतक पहुंचे अमित शाह। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक बना सत्ता का पावर केंद्र। ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार के बीच हुआ अमित शाह का भव्य स्वागत। चौथी बार हरियाणा पहुंच रहे हैं शाह। कुल 27 कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 17 बैठकें लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के हरियाणा प्रवास पर रोहतक पहुंच गए हैं। उनके इस 3 दिन के दौरे को सफल बनाने के लिए क्या भाजपा और क्या सरकारी मशीनरी, सभी ने जमकर मेहनत की है। सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि 3 दिन के इस प्रवास के दौरान जो बैठकें होनी हैं, जो मंत्रणा होनी है और जो रिपोर्ट कार्ड अमित शाह के सामने पेश किए जाने हैं, उसके बाद उनका रुख क्या रहता है। पहली चर्चा यह चल रही है कि अमित शाह के सामने सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संगठन की तरफ से रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, तो सरकार की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। देखना यह होगा कि कितने संतुष्ट उससे अमित शाह नजर आते हैं। जानकारों का कहना है कि अमित शाह जो जो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में भाजपा हारी है उन पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। गरिमा टाइम्स की एक रिपोर्ट। मिशन 2019 के तहत हर राज्य में दस्तक दे रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को हरियाणा पहुंच गए। लगातार 3 दिन उनकी कर्मस्थली जाटलैंड रोहतक रहने वाला है। संगठन में कामकाज में तेजी लाने से लेकर सरकार के कामकाज का आकलन करना ही उनके एजेंडे का अहम बिंदु है। हरियाणा में आगमन पर बहादुरगढ़ से शुरू हुआ उनके स्वागत का दौर तिलियार कन्वेंशन हॉल तक लगातार जारी रहा। भाजपा नेताओं ने लगातार अपने समर्थकों सहित उनकी जयकार के नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका अभूतपूर्व स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तिलियार कन्वेंशन हॉल पर मंत्रोच्चारण के बीच अमित शाह का स्वागत किया गया। अमित शाह के स्वागत के लिए मंगलवार देर रात ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक पहुंच गए थे। इसके साथ ही हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, सुभाष बराला और तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर भाजपा के संगठन के तमाम पदाधिकारी कन्वेंशन हॉल में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इन 3 दिनों में शाह संगठन के आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी व सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में से जो कुछ भी निकलेगा वह अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम आएगा। भाजपा अध्यक्ष 2 से 4 अगस्त के बीच लगातार 2 दर्जन बैठकें करेंगे। प्रकोष्ठ व विभागों की कार्यकारिणी की समीक्षा होगी तो साथ ही केंद्रीय योजनाओं के संचालन की स्पीड भी चेक करेंगे। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से अलग अलग बैठकें मिशन हरियाणा का हिस्सा हैं। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाने वाला रोहतक पूरी तरह से भाजपा संगठन और सरकार का पावर हाउस बना हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों की निगाहें भी शाह के हरियाणा दौरे पर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने हरियाणा प्रवास के दौरान पिछले चुनाव में हारी 43 विधानसभा सीटों को जीतने का मंत्र भी देकर जाएंगे। राज्य की इन सभी सीटों पर हार के कारण गिनाने के साथ ही तमाम कमजोरियों को उजागर करती एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। हर विधानसभा की इस रिपोर्ट को शाह के समक्ष पेश किया जाएगा और इसके बाद ही शाह इन्हें जीतने का मंत्र अपने पार्टी नेताओं और सरकार के मंत्रियों को देकर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान जहां मनोहर लाल खट्टर सरकार की रिपोर्ट पेश करेंगे तो सुभाष बराला संगठन की रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे। भाजपा अध्यक्ष के ऑफिशियल एजेंडे में भले ही जाट नेता यशपाल मलिक से मुलाकात शामिल न हो, लेकिन उनसे होने वाली मुलाकात पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यशपाल मलिक पहले ही कह चुके हैं कि वे अमित शाह से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं। अमित शाह जी सभी प्रदेशों में जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में हरियाणा में भी आ रहे हैं। वो बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, हर लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लोगों से भी बातचीत करने का उनका कार्यक्रम है। संगठन की स्थिति को जांचेंगे, अपने सुझाव देंगे और सरकार की स्थिति को भी जांचेंगे, उसमें भी वो अपने सुझाव देंगे। हुड्डा का गढ़ माना जाता है, कोई खास वजह रोहतक में रुकने? नहीं, मैं नहीं मानता कि रोहतक हुड्डा का गढ़ है। रोहतक से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, हुड्डा का गढ़ तो हमने उखाड़ दिया हुआ। बहादुरगढ़ से शुरू हुआ अमित शाह के स्वागत का दौर रोहतक तिलियार के कन्वेंशन हॉल पर आकर ठहर गया है। अब जितनी बैठकें होनी है बंद कमरों में होनी है। इन बंद कमरों की बैठकों में से छनकर क्या बाहर आएगा, इसी पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी।
देखते रहिए करीमा टाइम्स।